हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए बना रहे हैं चिल्ली और चिल्ली चीज़ ब्रेड, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। लगभग 2 मिनट में तैयार हो जाती है। ये 2 मिनट बाद कहने वाली बात नहीं है, ये सचमुच में 2 मिनट में रेडी हो जाती है। आज हम आप इन दोनों को मिला के आज आपको एक ब्रेड, चिल्ली चीज़ ब्रेड बनाना सिखाएंगे। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने 4 स्लाइस लिए हैं, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने बिल्कुल छोटी छोटी काट ली है, और ये मैंने चीज़ लिया है, मेरे पास अमूल चीज़ था, उसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और ये मेरे पास बटर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड के ऊपर बटर लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे अच्छी तरह आपको इसके ऊपर बटर लगाना है, स्लाइस के ऊपर। ये देखिए, पूरा अच्छी तरह लगाइए, ये नहीं कि कहीं पे हो कहीं पे ना हो, इसको पूरा हमें बहुत ही, क्योंकि हमें ये पूरा ब्रेड से भरना, बटर से भरना है, इसलिए इसको अच्छी तरह पहले बटर से लगा के कोट कर दीजिए। ये देखिए, हमने अपने दोनों ब्रेड पे भर भर के मक्खन लगा लिया है। कम नहीं लगाना, आपको इसको पूरा भरना है। ये देखिए, अब मैं इस पर क्या करूँगी, ये थोड़ी सी चिल्ली, ये देखिए, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसको वाइड भी कर सकते हो, आप चिल्ली मत डालिए, लेकिन अगर वो खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी कम डालिए। ये देखिए, ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी इस चिल्ली इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देनी है, ऐसे। अब इसके बाद अगर आप नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो इस टाइम आप इस पर थोड़ा सा एक चुटकी से भी कम नमक स्प्रिंकल कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि बटर में भी नमक होता है और चीज़ में भी नमक होता है, और मेरे बटर बच्चे थोड़ा नमक कम खाते हैं, इसलिए मैं इस टाइम नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर ऐसे चीज़ स्प्रिंकल कर दूँगी, ये देखिए, ऐसे चीज़ भी आपको, ये देखिए, ऐसे अच्छे से पूरा भर के लगाना है, कम नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारा चीज़ी ब्रेड है तो इसमें चीज़ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ऐसे ये मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है, ये देखिए भर के। अब मैं इसको उठा के, ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, तवा मैंने पहले ही रख दिया है, मेरा तवा गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर थोड़ा सा मक्खन लगा दूँगी, ये देखिए, और इसको तवे पे, ये देखिए, टोस्ट कर लूँगी। अब मैं ये जो मेरा ब्रेड है इसे उठा के, ये देखिए, ऐसे तवे पर रख दूँगी, और एक ढक्कन से इसको ढक दूँगी, ताकि जो चीज़ है वो इस जो इसका चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, और इसको मेल्ट होने में कम से कम 1-2 मिनट लगेंगे। जब तक हमारा वो मेल्ट चीज़ मेल्ट हो रहा है, तब तक मैं अपना ये दूसरा ब्रेड बना के भी रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा जो टोस्ट है उसे तवे पे पड़े हुए 2 मिनट हो चुके हैं, ये नीचे से अच्छी तरह टोस्ट हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए, अब मैं इसको उतार के, ये देखिए, प्लेट में रख लूँगी। ऐसे ही मैं अपना दूसरा ब्रेड भी तवे पे, ये देखिए, टोस्ट कर लूँगी। आपको गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है जब इसको टोस्ट करना है, फिर स्लो गैस पे नहीं रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे से क्रंची ही बढ़िया लगता है, आपको नीचे से इसको क्रंची करना है, तभी खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए, हमारे चिली चीज़ टोस्ट बन के रेडी हैं, मैं आपको नीचे से भी दिखा सकती हूँ, ये देखिए कितने क्रंची बने हैं। इसे आप चाहे तो हाफ तोड़ के भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे आज फुल ही यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं काटा है। अगर आप काटना चाहो तो बीच में से काट के इसको मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए, अगर आप ऐसे बीच में से काट के इसको टोस्ट करना चाहते हो, ये देखिए, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये कितना क्रंची है, क्योंकि जो चिली चीज़ टोस्ट है वो क्रंची ही ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। अगर ब्रेड नीचे से सॉफ्ट होगा फिर वो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता जितना कि हमें चाहिए। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, हमारे चिल्ली चीज़ टोस्ट बन के रेडी हैं। ये देखिए, आप नीचे से भी देख सकते हो। अब ये देखिए, आप जैसे आपकी इच्छा है आप वैसा इसको खा सकते हो। अगर आपको मेरी ये चिल्ली चीज़ टोस्ट की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये चिल्ली चीज़ टोस्ट की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।